अभी हाल में आपने देखा होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो दिव्यांग जन है, एक तरह से आप कह सकते हैं विकलांग है, जो एक तरह से आप समझिए कि ये अपंग, इन्हें अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के समान लाभ और सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आज इसी से संबंधित ये आपका आर्टिकल लिखा गया है, एक संदर्भ देख लेंगे क्या होती है दिव्यांगता। कई लोग इसे अलग अलग शब्दों से जानते पहचानते हैं, कोई दिव्यांग कह देता है, कोई विकलांग कह देता है। आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं कोई भी, उसमें भी तो पूछा जाता है क्या आप विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, इस तरह के शब्द नहीं यूज किए जाते हैं, तो उसी की बात कर रहा हूं। और इन जो दिव्यांग जन होते हैं, इनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं, दिव्यांग जनों की समाज की को समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल करने के लिए अभी तक जो प्रयास किए गए उनकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने, उसका निर्णय का क्या प्रभाव रहेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे और आगे की राय भी देखेंगे। और आपके पास भी अगर कोई विचार है इस तरह के, तो आप भी नीचे लिख सकते हैं। एक बात वैसे याद रखिए, किसी भी को आरक्षण की जरूरत कब पड़ती है, आज अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर किसी भी आप सामान्य वर्ग को भी देख रहे हैं, जनरल को भी मिलने लगा है 10% आरक्षण, तो आखिर जरूरत क्यों होती है। तो याद रखिए, एक मतलब आर्थिक स्थिति जिसकी खराब रही है, सामाजिक स्थिति जिसकी खराब रही है, और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और अभी तक आप भी जानते हैं कि ST SC को आरक्षण हटाने की बात करने लगते हैं कहीं, देखिए तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सबको एक मतलब ऊंचाई पर लाकर ना खड़ा किया जाए। आज सोचिए आप लोग कि किसी का बच्चा VIP स्कूल में पढ़ रहा है और किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है, आप देखिए उसकी स्थिति क्या रहती है। तो आप दोनों की मतलब बराबरी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? उस दिन आरक्षण खत्म होने की बात कीजिए जिस दिन मुझे लगता है कि दोनों बच्चे VIP स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उस दिन ना तो किसी को आरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही उसके बारे में ज्यादा सोचने की पड़े, क्योंकि दोनों बराबर ही मतलब टक्कर देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि दिव्यांग जन भी अनुसूचित जाति और जनजाति के समान लाभ और सुविधाओं के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों की सामाजिक स्थिति की परवाह किए बगैर शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये फिर किसी भी जाति से हो, समझ रहे हैं, ST SC से हो, फिर चाहे OBC से हो या फिर जनरल से हो, सबके लिए बराबर प्रावधान रखे गए हैं। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश में दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई एवं सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी दर्शाता है कि संविधान से लेकर तमाम कानूनों एवं सरकारी योजनाओं के बावजूद भी दिव्यांगजनों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर है क्या दिव्यांगता? दिव्यांगता किसी शारीरिक एवं मानसिक आस क्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में असक्षम होता है। एक बात याद रखिए कि एक सामान्य व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, या तो ये मतलब जन्म से ही हो जाता है, माँ की गर्भ से ही, मतलब इस तरह कोई कमी के जरिए ही कोई अंग नहीं है इस तरह से पैदा होता है, या फिर आप देखते हैं कि कहीं दुर्घटना में उसके साथ घटती है तो उसमें भी अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है। भारत में अगर हम लोग तकनीकी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग मानते हैं जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40% से कम दिव्यांगता का शिकार ना हो। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसके अतिरिक्त एसिड अटैक से पीड़ितों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नियोग्यता की एक अलग श्रेणी में रखने का आदेश भी दिया है। अब 21 तरह के आपके जो भी दिव्यांग जन होंगे उन्हें शामिल कर लिया गया दिव्यांगियों की श्रेणी में। पहले दिव्यांगता को विकलांग या फिर अपंग के नाम से संबोधित किया जाता था, किंतु सरकार एवं विभिन्न सिविल समाज संगठनों के प्रयास ने इन्हीं इन्हें शारीरिक रूप से अक्षम या फिर अपंग और अब अलग तरह से योग्य से संबंधित किया जाने लगा है, यानी कि दिव्यांगता। आखिर इनकी चुनौतियों की अगर बात करें हम लोग, दिव्यांगजन जो होते हैं इनके सामने क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो सामान्यतः भारतीय समाज में दिव्यांगों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन सरकार के प्रयास से अब इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है।
ये तो आप भी अपने आसपास देखते रहते हैं कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसे अच्छी नजर से नहीं दिया जाता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है। ज्यादातर भारतीय जनमानस दिव्यांगता को एक अभिशाप के रूप में मानते हैं, वैसे मनुष्य की पूर्व जन्म जन्म के कर्मों से जुड़कर दिखता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज में दिव्यांगों के प्रति भेदभाव व अत्याचार बढ़ जाता है। ये सभी वो पॉइंट रखे गए हैं जो आप भी अनुभव करते हैं अपने समाज में, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ती होगी। आराम से आप लोग सुनते होंगे, आराम से समझ में आ जाता होगा। दिव्यांगों को अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाएं प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी सहूलियत के मुताबिक देश में आधारभूत संरचना ना के बराबर है, इसलिए स्कूलों, अस्पतालों एवं परिवहन साधनों आदि में उन्हें भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। भारत में 80% दिव्यांग गरीब परिवार से संबंधित होते हैं, जिसके कारण उनके लिए मूलभूत आवश्यकताओं यानी रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति कर पाना भी चुनौतीपूर्ण होता है। बढ़ती जनसंख्या, घटते प्राकृतिक संसाधनों की कठिन प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भौतिक संसाधनों और चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण दिव्यांगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने से वे समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित होने की बजाय पिछड़ते जा रहे हैं। यही हाल हुआ STST का। आप सोचिए, अगर उन्हें भी आप लोग साथ लेकर चलते 1947 से, तो आज भी वो इतने काफी सफल हो जाते, इतने आत्मनिर्भर हो जाते कि आपको किसी तरह की मदद देने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं, कई बार न्यूज पेपरों में आप भी लेते हैं कि उन्हें अपनी मतलब जो भी मर जाता है, मतलब मृतक शरीर होता है, उसे भी जो इस तरह के आपके कब्रिस्तान होते हैं वहां दफनाने या फिर जलाने की भी मनाही कर दी जाती है। अभी कल ही परसों में कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, इस तरह की सुविधाएं, मतलब इस तरह की भेदभाव अभी भी किया जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझिए कि जब तक भेदभाव ना खत्म होंगे, तब तक ना तो आरक्षण का खत्म हो सकता है और ना ही हमारा देश कभी तरक्की कर सकता है। ठीक है, सब मतलब कहते हैं कि जापान की सफल होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहां कोई भेदभाव नहीं है, पूरा मतलब एक ही राष्ट्रीय एकता से जुड़ा हुआ है। आप सोचिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम या फिर ये जात पात ना लिख के सॉरी एक ही शब्द यूज किया जाता होता, भारतीय, जैसे कोई भी नाम है उसके आगे भारतीय, इंडियन, तो आप समझिए कि हाँ कोई भेदभाव ना रहता, कोई सामाजिक लड़ाई भी नहीं रहती, सब एक मिलकर देश को शक्तिशाली बनाने में योगदान कर रहे होते। और आप समझिए कि अगर एक एक पैर रखकर सब आगे बढ़ते तो कहाँ पहुंच जाते हम लोग। लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि नेताओं की वजह से हम लोग अभी भी वही समाज में बटे हुए हैं। कानूनों द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, लेकिन विडंबना है कि आज भी लगभग आपके 60-70% दिव्यांग निरक्षर हैं, यानी कि कहने का मतलब इन्हें पढ़ने की सुविधा मिली है मतलब, लेकिन फिर भी छूटे हुए हैं। आप भी जानते हैं कि कई योजनाएं लागू की जाती हैं, कई अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन कहाँ लागू होते हैं, हकीकत क्या होती है, वो अलग ही आप देखने को मिलती है। और मैं तो कहता हूँ दिव्यांगों को छोड़िए, हमारे देश में जितने भी आपके फिर चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ सबको फ्री होनी चाहिए, फिर चाहे वो गरीब हो या फिर चाहे अमीर हो। समझ रहे, काफी हद तक हम लोग आगे देश को बढ़ा सकते हैं अगर ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए। कई सारे शोध में यह तथ्य सामने भी आया है कि दिव्यांग लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति के अभाव के कारण लगभग 35% दिव्यांग अपने जीवन के 20 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं कर पाते। वहीं शोध में यह भी दर्शाया गया है कि इनमें से लगभग 40% दिव्यांगों को आधुनिक चिकित्सीय सुविधा और वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकता है। एक बात मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूँ कि कभी आपको ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं लिखनी है या किसी और वर्ग की समस्याओं के बारे में जानना है, कभी STST, कभी किसी निचले तबके की मतलब समस्याओं को जानना है, तो एक बार उनकी बस्ती में जरूर घुमाए, यानी कि उनके आसपास का चक्कर एक बार जरूर लगा लिया करिएगा, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च मतलब जान लिया करिएगा, आपको बहुत सारी समस्याएं भी देखने को मिल जाएंगी आराम से। तो आप भी अगर आपके पास कोई दिव्यांग जन रहता है तो उनके मतलब उनसे बात करिए, कभी उनके परिवेश को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई है। दिव्यांग जो होते हैं उन्हें मुख्य समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु अभी तक प्रयास क्या किए गए। संविधानिक उपबंधों की अगर हम सबसे पहले बात करें
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता के मामलों में शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। संविधान का अनुच्छेद 46 में भी अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ साथ अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयासों के प्रति राज्य को निर्देशित करता है। दिव्यांगों के लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निर्दिष्ट किए गए हैं। ये आपका याद रखिए, 7वीं अनुसूची में तीन मतलब श्रेणी बांटी गई, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची। ठीक है, एक और बात आपको बता दूं, नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनका प्रावधान किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर इनके अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये किस कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अगर इन्हें हम आप सोचिए मौलिक अधिकारों में इनकी बात करने लगे हम लोग, तो आप समझिए कि ये अगर इनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये कम से कम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने लायक तो होंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत का तो ये मतलब रहता है कि अगर राज्य सरकार लागू कर दे तो ठीक है, यानी कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहता है, अगर उसे चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर हम लोग सरकारी प्रयासों की बात करें, सरकार की ओर से निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2016 दिव्यांग जनों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया, जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसके तहत 21 निःशक्तताओं को मान्यता दी गई है। दरअसल इस अधिनियम के में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूद प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। अभी आप देखिए कि 7 प्रकार के जो दिव्यांग होते थे, विकलांग होते थे या कोई कमी होती थी, उन्हीं लोगों को रखा जाता था। एक अच्छी बात यह हुई कि 21 तरह की मतलब दिव्यांगजनों को शामिल कर लिया गया है। मतलब अगर 21 तरह की कोई चिन्हित कर दिए गए, अगर इसमें उन्हें मतलब असक्षम है तो उन्हें भी शामिल करने की बात की जाती है। इसमें आपका 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के सभी दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत दिव्यांगों को रोजगार में आरक्षण की सीमा 3% से बढ़ाकर 4% की गई है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में दिव्यांगों के अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के मानकों को भी अपनाया गया। इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी दिव्यांगजन का मजाक उड़ाता है या फिर उसे डराता है या उसका अपमान करता है तो उस व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। आप सोचिए अगर किसी दिव्यांग से कोई भेदभाव करता है तो कह सकते हैं कि उसे जेल भी होगी, यानी कि दंड भी मिलेगा। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि देश के हर जिले में विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के मामले में सुनवाई भी करेंगे। इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता के लिए एक पृथक निधि बनाने का भी प्रावधान किया गया है। इस कानून के निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी और निजी सार्वजनिक इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। सुगम भारत अभियान भी आप लोगों ने सुना होगा। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2015 को सुगम भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम भारत अभियान सुगम भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। फिर आपकी सुगम पुस्तकालय, सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच सुगम पुस्तकालय की शुरुआत की गई, जहां दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। सुगम पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग कर बेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। फिर आपने सुना होगा दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। इस योजना का उद्देश्य समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सुगम वातावरण सृजित करना है। याद रखिए इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रख लीजिए। अगर कहीं आंसर राइटिंग के लिए आता है तो वैसे भी आपका प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं
और आंसर राइटिंग में अगर इस पॉइंटों को आप डालेंगे तो बेहतर स्कोर भी कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि क्या होगा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय का प्रभाव, तो दिव्यांगजनों को होने वाली कठिनाइयों की पहचान की जा सकेगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि दिव्यांगों की सामाजिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उन्हें अनुसूचित जातियों और जनजाति के समान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। न्यायालय के निर्णय से दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा और दिव्यांग उम्मीदवारों को अक्सर समान मानकों को पूरा नहीं करने के कारण शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। दिव्यांगों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, इससे उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। याद रखिए, ऐसे लोगों को अगर कोई मदद मिल जाए तो ये लोग बेहतर काम भी कर पाते हैं, यानी कि आगे बढ़ने के इनके चांस बेहतर, ये लोग ध्यान देते हैं अपने करियर पर, बस इनको आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए। सरकार को दिव्यांगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि सभी चुनौतियों पर समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि इनका भी सशक्तिकरण हो सके। शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने में सरकार और प्रशासन को अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है, तभी दिव्यांग बच्चों के स्कूल ना जाने की स्थिति को बदला जा सकता है। उच्च शिक्षा में विकलांगों के लिए उनकी जरूरत और रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करने, उनके पसंदीदा विषयों के चयन को प्राथमिकता की जानी चाहिए। दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा सके। साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप समझते हैं कि दिव्यांगजनों को अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसे उस हिसाब से एक सीढ़ी लगानी चाहिए, मतलब उसे पहुंच जाए आराम से, इस तरह की सुविधा करनी चाहिए। काफी हद तक आप देखते हैं जो मल्टीप्लेक्स, जो भी आपके जो मॉल बने हुए हैं, कई जगह आप सिनेमा हॉलों में भी देखते हैं, कई ऑफिस में भी देखते हैं, इनके लिए बेहतर सुविधा दी भी जा रही है। दिव्यांगजनों की सामाजिक समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता प्रचार प्रसार द्वारा सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है, जिससे इन्हें उपेक्षा की बजाय समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हो सके। तो ये थी आपकी दिव्यांगजनों की एक पूरी कहानी। ठीक है।